कुंडरी विधानसभा में कांग्रेस प्रभारी का बयान आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में जातीय प्रभाव में रहने वाले कुंडरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रभारी को न केवल माफी मांगनी पड़ी बल्कि अपनी बात से पलटना भी पड़ा। हमने लोगों से बातचीत की तो कुंडरी विधानसभा में यह चर्चा आम थी। आपको बता दें कि कुंडरी में रोड बिरादरी का रुख चुनावी माहौल को बदलने में अहम भूमिका निभाता है। इसी संदर्भ में सुनीता बतान की जनसभा में कांग्रेस प्रभारी अमरजीत धीमान ने ऐलान कर दिया कि इस बार कांग्रेस रोड बिरादरी से ही किसी उम्मीदवार को टिकट देगी। सुनिए आप भी प्रभारी का वो बयान। पिछली बार हमने भुक्त भोगी है, रोड समाज का कोई भी व्यक्ति को टिकट कांग्रेस पार्टी से नहीं मिला और उसका कांग्रेस पार्टी ने खामियाजा भुगता, जो कि कोई 800 वोट से हारा, कोई 1200 वोट से हारा जहां पर रोड समाज रहता है। अब की बार पार्टी ने पूरी तरह से विचार किया है कि रोड समाज को टिकट मिलेगा, 100% टिकट मिलेगा। कुंडरी जो आवेदक उनसे भी आवेदन लिया गया, आवेदन कोई भी दे सकता है। आवेदन तो देखिए, ये प्रजातंत्र है, कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र चलता है, किसी का लड़तंत्र नहीं चलता। इस बात से रोड बिरादरी से कांग्रेस नेता सुनीता बतान, सुल्तान चौडोला सहित अन्य में उम्मीद की किरण जाग गई। वहीं अंदर ही अंदर कांग्रेस के अन्य दावेदारों ने रोष प्रकट करना शुरू कर दिया। बात की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस प्रभारी को अपने बयान से पलटना पड़ा। उन्होंने न केवल माफी मांगी बल्कि कहा कि वे टिकट देने वाले कौन होते हैं, वे कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुंडरी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की टिकट के एक दर्जन से भी ज्यादा दावेदार हैं। जब उनको समझ में आया तो बाद में अमरजीत धीमान की प्रतिक्रिया आप भी सुनिए। मैंने परसाना गांव में एक हमारी मीटिंग थी सुनीता बतान जी के साथ, वहां बयान दिया था और उसमें थोड़ा सा गलत हो गया मेरे साथ। मैंने दिया था ये कि रोड समाज को टिकट मिलेगी हरियाणा से, भाई ने उसने दूसरे पत्रकार ने उसमें कुंडरी लिख दिया या कलवा दिया। वो मेरा अपना पर्सनल बयान था, ना कोई पार्टी का बयान था। मैं उसके लिए अगर किसी को उससे ठेस पहुंची है तो मैं खेत प्रकट करता हूँ। मेरा ऐसा कोई मनसा नहीं है कि मैं किसी समाज को टिकट दवा सकता हूँ, ना मैं टिकट दवाने वाली कमेटी में हूँ। मेरा काम है कोऑर्डिनेटर का प्रचार करना और मैं कुंडरी हल्का में जब तक चुनाव होगा मैं अपने जितने भी पार्टी के कैंडिडेट हैं, चाहे वो जनरल है, चाहे एससी है, चाहे बीसी है, चाहे ब्राह्मण है, जाट है, मैं सबके साथ कार्य करूंगा।